लुक एट दिस यार भाई साहब, गर्मी के टाइम में आम का मजा एकदम अलग ही रहता है। सो अभी ना फटाफट से इस आम को निपटाते हैं अब तो। सो अभी ना भाई साहब, आम के चक्कर में आज हम लंच करेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज का सीन ना बहुत ही मस्त हो रखा है। फिलहाल अभी जस्ट हो रहा है सुबह के 9। एंड भाई साहब, आज ना आप लोगों को ना मेरा फेस कुछ अजीब लग रहा होगा, बिकॉज मैंने ना अपना बियर्ड ट्रिम कर लिया है। मतलब कल रात को ना मुझे पता नहीं यार क्या सुर पकड़ा, ठीक है, मैं उठा, अपना ट्रिमर उठाया एंड भाई साहब फटाफट से मैंने अपने सारे बियर्ड ट्रिम कर डाले। इतने घने हो रखे थे, इतने बड़े बड़े हो रखे थे ना भाई साहब, बियर्ड की वजह से ना मम्मी से कितनी बार मुझे सुनना पड़ा है मैं ही जानता हूँ। एंड कल रात को भी मैं सुन ही रहा था, मैं उठा फटाफट से अपना बियर्ड पूरा ट्रिम कर डाला, पूरा जीरो कर डाला। एंड भाई साहब अभी आप देखिए, एंड मेरा चेहरा भी अजीब सा लग रहा है यार एकदम। एंड आज ना वैसे भी मैं सुबह 6 बजे उठ गया था, बिकॉज मुझे अपना ब्लॉग एडिट करना था, अपलोड करना था। सो ये सब करने के बाद भाई साहब मुझे मस्त अपना गर्मा गर्म चाय भी मिल चुका है, इसमें चाय है, ठीक है। सो अभी ना मस्त गर्मा गर्म चाय एंजॉय करते हैं, एंड चाय एंजॉय करने के बाद मस्त नहाने धोने चलते हैं भाई, बिकॉज चाय वाय पीने के बाद मस्त नाश्ता वास्ता भी तो बनता है ना बॉस। एंड वैसे भी भूख बहुत ही तगड़ा लग चुका है, बिकॉज कल शाम को ना मैंने जो मैगी खाया था वही खाया मैं अब भी तक हूँ यार। लिटरली मैं कल ना मतलब रात को डिनर भी नहीं किया था मैंने। तो अभी ना फटाफट से मस्त चाय वाय निपटाते हैं एंड चलते हैं, फटाफट से मस्त नहा लेते हैं, फटाफट से मस्त नाश्ता करते हैं। एंड मैं ना आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता था कि भाई साहब मैं बियर्ड में ही अच्छा लगता हूँ या ट्रिम करके अच्छा लगता हूँ, ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। आप लोग जैसे बोलोगे ना वैसे मैं मतलब रह सकता हूँ यार, बिकॉज भाई अगर बियर्ड में अच्छा लगता ना तो हमेशा मैं बियर्ड ही रखूँगा, ठीक है। एंड अगर ट्रिम करके अच्छा लग रहा ना तो हमेशा मैं ट्रिम करके ही रहूँगा। तो आप लोग सेलेक्ट करो यार, बाकी तो हम अभी फटाफट से मस्त गर्मा गर्म चाय इन्जॉय करते हैं। फिलहाल मस्त अपना नहाना धोना हो चुका है, एंड भाई साहब नहाने धोने के जस्ट तुरंत बाद मुझे कुछ काम सौंप दिया गया है कैफे जाने का, ठीक है। जैसे छोटी के कुछ नोट्स हैं तो वो सारे नोट्स को 2 कॉपीज करवाने हैं, एंड भाई साहब मेरे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो इनको भी 2 कॉपी करवाने हैं। एंड मैं अपने डॉक्यूमेंट्स 2 कॉपी क्यों करवा रहा हूँ आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा आप लोगों को, बट अभी चलते हैं फटाफट से कैफे, फटाफट से डॉक्यूमेंट्स 2 कॉपी करवाते हैं, छोटी के नोट्स 2 कॉपी करवा के फटाफट से वापस आते हैं। फिलहाल सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी करवा के मैं घर पे वापस आ चुका हूँ। एंड भाई साहब घर पे वापस आते आते ना मुझे एक चीज़ और पता चल रहा है कि मुझे अभी और कहीं जाना है, मतलब आज नाश्ता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता ही नहीं पड़ रहा है यार। सो हाँ, अभी ना मुझे मम्मी के साथ में जाना है, तो फटाफट से डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं एंड फटाफट से रेडी होते हैं, फटाफट से निकलते हैं भाई। फिलहाल मम्मी के साथ जाने का मेरा प्लान तो कैंसिल हो गया, बिकॉज भाई साहब पापा का प्लान बन चुका मम्मी के साथ जाने के लिए, एंड मेरा प्लान ऑन है भाई नाश्ता करने का प्लान भाई। सो अभी ना फटाफट से नाश्ता करते हैं, बट इससे पहले आप लोगों को दिखाते हैं भाई नाश्ते में बना क्या है। लुक एट दिस भाई साहब, छोले एंड पराठे। तो हाँ अभी ना फटाफट से निपटाते हैं, नहीं तो भाई साहब मतलब भूखा कितने देर तक रहूँ भाई, अब फटाफट से निपटाएंगे अब तो। फिलहाल मस्त अपना नाश्ता पानी तो हो चुका है, एंड जैसे ही अपना नाश्ता पानी हुआ भाई साहब मौसम ने अचानक से अपना रंग रूप चेंज कर रखा यार, मतलब हल्का हल्का ना पानी आना स्टार्ट भी हो गया, आप चेक करो एक बार भाई साहब। तो हाँ अभी ना फटाफट से जो भी भीगने वाले सामान है छत पे वो फटाफट से उतारते हैं, नहीं तो आज अगर सामान भीगा तो मम्मी हमें भिगा भिगा के मारेगी। देखिए मार के डर से बचने के लिए छोटी पहले ही भिड़ चुकी है काम में, तो फटाफट से सारे भीगने वाले का सामान जो है उतार लेते हैं। छोटी तुम इस साइड से उतारो, हम ये सब उतार लेते हैं, ठीक ना। फाइनली सारे भीगने वाले वस्तु एंड वस्त्र हम लोगों ने उतार लिए, एंड मैं वापस से अभी जा रहा हूँ छत पे, बिकॉज मुझे ना आप लोगों को एकदम अमेजिंग सा व्यू दिखाना है रोड साइड का। बिकॉज पता है क्या, मैंने ना कुछ दिन से आप लोगों को रोड साइड का व्यू दिखाया नहीं है, एंड भाई साहब रोड साइड का व्यू ना एकदम उबड़ खाबड़ टाइप का हो रखा है, तो आप लोग ने एक बार चेक करो। लुक एट दिस यार, मतलब इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ सा रोड का व्यू हो रखा है ना, मैं क्या बताऊँ, आप लोग तो देख ही रहे हो यार। एंड इसी के साथ साथ एक राउंड व्यू भी हो जाए भाई साहब, इस वाले मौसम में राउंड व्यू लेने का मज़ा ही अलग है यार, एकदम अमेजिंग सा लगता है। एंड फिलहाल पानी टप टप करके आने भी लगा है, तो हम ना चलते हैं फटाफट से नीचे। तो यार फिलहाल पानी भी आने लगा है, तो हम ज़्यादा देर छत पे तो नहीं रह पाए, बट भाई साहब आई थिंक आप लोगों को राउंड व्यू देख के एंड रोड साइड व्यू देख के मज़ा ज़रूर आया होगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं दुकान में, बिकॉज जैसा कि आप जानते ही हो यार पापा एंड मम्मी दोनों ही निकले हुए हैं, मतलब दोनों ही घर पे नहीं है, तो दुकान हमें ही संभालना पड़ेगा, तो चलते हैं दुकान में बैठते हैं। फिलहाल मम्मी आ चुकी हैं, एंड मम्मी आते आते पता है क्या भाई साहब मस्त आम भी ला चुकी है। तो अभी ना भाई साहब आम के चक्कर में आज हम लंच करेंगे, मतलब मम्मी आते आते ना आम लेके आई थी, तो भाई हमने बोल दिया कि मम्मी हमको भी आम चाहिए, ठीक है। एंड मम्मी आम के साथ साथ ना पूरा लंच निकाल दिए यार, तो फटाफट से अभी ना भाई साहब लंच करते हैं, आम के चक्कर में पूरा लंच करना पड़ रहा है, तो फटाफट से निपटाते हैं और क्या भाई। एंड लुक एट दिस यार भाई साहब, गर्मी के टाइम में आम का मजा एकदम अलग ही रहता है। तो अभी ना फटाफट से इस आम को निपटाते हैं अब तो।
भाई साहब, मतलब जब तक मैं खा रहा था ना तब तक भाई साहब बाहर का मौसम ना एकदम हाई लेवल पे बिगड़ चुका है। मतलब पता है क्या, आज ना जब जब मैं खा रहा हूँ तब तब बाहर का मौसम बिगड़ रहा है यार। मतलब पता है क्या, नाश्ता करके भी उठे थे उस समय भी भाई साहब मौसम एकदम गजब का बिगड़ रखा था, एंड अभी लंच करके उठे तब भी भाई साहब एकदम भयंकर वाला मौसम बिगड़ रखा है। आप खुद चेक कर लो यार, लुक एट दिस भाई, इतना भयंकर वाला मौसम बिगड़ रखा है ना, आप ये देख के पता लगा सकते हो भाई गजब का हाल हो रखा है यार एकदम। मतलब इतना ज़्यादा धूल आंधी तूफान सब एक साथ आ गया यार, एंड साथ में पानी भी आ रहा है भाई, एकदम गजब का हो रखा है मौसम आज तो। एंड उस वाले पेड़ को आप देखिए भाई कितना भयंकर, मतलब लग रहा है ना कि अभी गिर जाएगा भाई। भाई ऐसे मौसम में ना एकदम, मतलब पता है क्या, धूल आंधी तूफान भरा मौसम इतना भयंकर सा लगता है मैं क्या बताऊं। एंड आप इस साइड देख सकते हैं हमारे जवान मोल रतन है, वो अपना खाना खा रहे हैं, बट इस साइड का मौसम और भी भयंकर, और छत पे से तो और भी भयंकर दिख रहा है यार। आप ना एक बार छत पे से मौसम चेक करो भाई, एकदम भयंकर वाला मौसम रखा है, छत पे से तो और भी भयंकर दिख रहा है, एंड पानी बहुत ही जोरों का आ चुका है यार। फिलहाल आप लोगों को इस पेड़ को देखने के बाद पता पड़ गया होगा कि भाई कितना भयंकर आंधी तूफान आ रखा है। एंड उस साइड का तो भाई मतलब मैं क्या बताऊँ यार, एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा यार, अलग सा एकदम रुतबा हो रखा है। एंड इस साइड तो भाई और भी भयंकर, एंड साथ ही साथ ना पानी भी आ चुका है, आप चेक कर लो। एंड लुक एट दिस सीन भाई साहब, आप लोगों के लिए ना बारिश में एंड आंधी तूफान में भाई खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड मैं पूरी तरह से छत पे जाके वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, बिकॉज भाई इतना ज़्यादा आंधी तूफान एंड बारिश है ना कि भाई ऊपर जाके मतलब इधर उधर हवा में वीडियो ख़राब करने से बढ़िया है जितना बन रहा है उतने से सेटिस्फेक्शन ले लेना, ठीक है। तो ठीक है यार, अभी तो भाई आंधी तूफान की वजह से लाइट वाइट सब कट चुका है, एंड अभी हम जस्ट इन्वर्टर ऑन करने वाले हैं नहीं, बिकॉज भाई साहब रात तक इन्वर्टर भी बोल जाएगा, एंड इतना आंधी तूफान है अब रात को पानी मतलब लाइट आएगा कि नहीं आएगा पता ही नहीं है, तो इन्वर्टर तो अभी ऑन नहीं करेंगे, अभी चलते हैं मस्त बाहर बैठ कर आंधी तूफान एंड बारिश का मजा लेते हैं। फिलहाल अभी ना बारिश बंद हो चुका है, तो अभी ना चलते हैं फटाफट से मार्केट, थोड़ा मार्केटिंग करते हैं, थोड़ा सब्जी वब्जी लेते हैं एंड फटाफट से आते हैं। फिलहाल मार्केटिंग करके हम घर पे वापस तो आ चुके हैं, एंड घर आते आते ना एकदम भयंकर वाला चाय का तलब लगा है, तो चलते हैं मस्त गर्मा गर्म चाय बनाते हैं एंड मस्त गर्मा गर्म चाय पीते हैं भाई। फिलहाल मस्त अपना गर्मा गर्म चाय मैंने बना भी लिया है, एंड अभी तो भाई साहब बस निपटाते हैं फटाफट से, एंड आज ना चाय के साथ में भाई साहब हम बिस्किट भी निपटाएंगे, निपटाते हैं यार, इंतजार किसका है। फिलहाल मस्त अपना चाय वाय तो हो चुका, अभी हम चलते हैं फटाफट से छत पे, इस अमेजिंग से मौसम का एक छोटा सा टाइम लैप्स तो बनता है ना बॉस। फिलहाल अभी मस्त हो चुके हैं रात के 10, एंड आई होप आप लोगों को छोटा सा बट अच्छा वाला टाइम लैप्स का क्लिप बहुत ही पसंद आया होगा। बाकी तो भाई साहब अभी ना जस्ट मैं जा रहा हूँ इस ब्लॉग को एंड करने, बिकॉज आज के दिन में क्या क्या हुआ वो तो आप लोगों ने आई थिंक देख ही लिया, एंड आज के दिन में वैसा ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, बस इतना हुआ कि भाई साहब सीज़न का पहला आम खाने को मिला, ठीक है। बाकी आज के दिन में ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, एंड हाँ आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी आपका झूमर दिख रही टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। भाई गजब का हाल हो रखा है यार एकदम, मतलब इतना ज़्यादा धूल आंधी तूफान सब एक साथ आ गया यार, एंड साथ में पानी भी आ रहा है भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा यार, अलग सा एकदम रुतबा हो रखा है।